शीट नंबर 30 का क्वेश्चन नंबर 11, कॉपर की इलेक्ट्रिक केटल है, 1 kg कंटेन्स 900 g ऑफ वाटर, तो एक केटल कॉपर की है, कॉपर का मास या मास ऑफ केटल जो कॉपर की बनी हुई है उसका मास आपको 1000 g गिवन है, जिसमें 900 g का पानी अलग से गिवन है और 20 degrees Celsius पे गिवन है। इट टेक्स 12 मिनट्स टू रेज द टेम्परेचर टू 100 degrees Celsius, पानी को उबालने के लिए 100 degrees Celsius चाहिए और 12 मिनट लगते हैं गर्म करने के लिए। और इलेक्ट्रिक केटल कैसे चलेगा, बिजली से चलेगी, तो वोल्टेज सप्लाई 210 वोल्ट है। आपको बताना है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, एज्यूमिंग 10% ऑफ हीट इज वेस्टेड और स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर आपको क्वेश्चन में गिवन है। देखो आपको मास ऑफ कॉपर पता है, मास ऑफ वाटर पता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर पता है। स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर गिवन है 0.1 बाय डिफॉल्ट। स्पेसिफिक हीट के यूनिट क्या होते हैं, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और पानी की स्पेसिफिक हीट हमने लास्ट ईयर डिस्कस की थी, याद रखनी है 1 kcal/g/C। अब पानी को गर्म करना है, पानी गर्म होगा लेकिन कॉपर की केटल भी गर्म होगी, दोनों का टेम्परेचर जीरो, दोनों का टेम्परेचर 20 से क्या होगा 100 होगा। तो कॉपर के लिए MC ΔT, पानी के लिए MC ΔT, तो दोनों के लिए रिजल्ट यूज किया और इतनी हीट रिक्वायरमेंट है, कैलोरीज के अंदर आएगा इतनी हीट रिक्वायरमेंट है ताकि पानी गर्म हो जाए। और कैलोरीज को अगर जूल में कन्वर्ट करना है, इसको 4.2 से मल्टीप्लाई करके आंसर जूल में आएगा। क्लियर है यहां तक? अब ये एनर्जी कहां से मिलेगी, बिजली से मिलेगी, क्योंकि केटल बिजली से चल रही है और बिजली से इलेक्ट्रिसिटी क्या मिल रही है, Q = एनर्जी क्या होती है, V×I×T। तो V हमें पता है, करंट हमें पता नहीं, हमें निकालना है कितना करंट पास किया जाए और टाइम हमें पता है 12 मिनट है। प्रॉब्लम यह है कि बिजली की फॉर्म में जो एनर्जी है उसका 10% खराब हो रहा है, तो कितना पानी को मिल रहा है 90%। तो ये जो हीट आई इसका क्या कैलकुलेट करेंगे, 90% ये जो हीट आई वो इसको पानी को दें और केटल को दें, तो इसे और इसे इक्वेट कर लें, आपके पास आई की वैल्यू आ जाएगी। मेथड क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें, मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे कैलकुलेशन करनी है? और कोई? 15th क्वेश्चन नंबर 11 के बाद चेक करें क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 इसके अंदर क्या गिवन है, 21 इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, 21 बल्ब सीरीज में लगा दिए हमने और 220 वोल्ट सप्लाई के साथ। आफ्टर वन बल्ब इज फ्यूज्ड, तो कितने बल्ब रह गए, 20 रह गए, द रिमेनिंग 20 बल्ब्स आर अगेन कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द सेम मेन 220 के साथ। तो पहले बल्ब की रेजिस्टेंस 21 R है, अब बल्ब की रेजिस्टेंस 20 R है, 21 R 20 R। By what percentage will the illumination of a bulb change? A bulb का मतलब single bulb के illumination कितनी percent change होगी? Illumination का मतलब power। तो सबसे पहले जब एक bulb की resistance आ रहा है तो 21 bulb की 21 आ रहा है, तो current क्या होगा 220/21 R। Power क्या होगी एक bulb में, I² × R, I की वैल्यू पता है इनटू आर, ये आपके पास एक बल्ब की पावर आ गई। सेकंड केस में 20 बल्ब रह गए, तो 21 R की जगह यहां पर रिप्लेस करेंगे 20 R, करंट आ गया और आपको परसेंटेज चेंज इन पावर निकालने आंसर आएगा। ठीक है यहां तक? ये अ बल्ब है,
तो यहाँ पर पावर आई स्क्वेयर अ बल्ब में आर। लेकिन अगर क्वेश्चन होता कि सारे बल्ब की इल्यूमिनेशन का परसेंटेज चेंज क्या है, तो फिर यहाँ पर 21 आर और यहाँ पर 20 आर होता। ठीक, वैसे अ बल्ब है, एक बल्ब का कंपैरिजन एक बल्ब के साथ ही होता है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये दो क्वेश्चंस हैं।